सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वीडियो में बात करते हैं एलविस यादव के बारे में। तो साथियों इस वक्त एलविस यादव का सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस के साथ नजर आ रहे हैं और पुलिस उसे थाने में ले जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन एलविस वहां पर हंस रहे हैं। तो आपको बता दें साथियों इस वीडियो का पूरा सत्य, जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले साल नवम्बर में एलविस यादव पर एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें वो स्नेक वेनम का केस था और उसके ऊपर अभी कार्रवाई चल ही रही थी। तो कोर्ट ने उन्हें कोर्ट में बुलवाया और कोर्ट ने उन्हें 13-14 दिन की सज़ा दी है और रिमांड पर रखा गया है और उनकी आगे जांच की जाएगी कि भाई इन केस में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। सूत्रों की माने तो एलविस यादव को 10 साल तक की जेल हो सकती है अगर एलविस यादव इसमें दोषी पाए जाते हैं। तो आपके लिए बता रहा हूँ कि भाई आप अगर एलविस यादव के फैंस हैं तो ये वीडियो इसी रिलेटेड है। और इनके अलावा वहाँ पर 5 लोगों पर और केस दर्ज है ये, जो उनके साथ थे इस पार्टी के अंदर। तो आपको क्या लगता है साथियों, क्या एलविस यादव को होगी जेल या एलविस यादव फिर से यहाँ पर बार आपको दिखाई देंगे? क्योंकि एलविस यादव को पहले भी ऐसे ही पकड़ा गया था और एलविस यादव यहाँ पर जमानत पर बाहर थे, उस टाइम उन्हें जेल या रिमांड पर नहीं रखा गया था, लेकिन इस बार एलविस यादव को 14 दिन के रिमांड पर रखा गया है। तो आपको क्या लगता है साथियों, आप अपनी राय कॉमेंट में जरूर रखना और क्या आप एलविस को पसंद करते हैं ये बात भी आप जरूर बताना।